Hello everyone. Today we are going to start with the topic indices. I have a very small expression. Here. If we read out this expression, it is A raised to the power B will give me. द फाइनल आउटपुट एज एक्स सो ए टू द पावर बी इक्वल्स टू एक्स हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ए टू द पावर बी इक्वल्स टू एक्स सो दिस ए इज बेसिकली द बेस This A is basically the base, and this B is known as power index or also as exponent, or also as exponent, and the final answer is X so basically this x is the output this x is the output this x is the output we can also say this that a is being multiplied <laughs> sorry with itself b times ए को हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी टाइम्स ए को हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी टाइम्स से फॉर एग्जाम्पल टू टू पावर थ्री को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं टू इंटू टू इंटू टू तो यहां पे टू को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया खुद से तीन बार तीन बार सिमिलरली ए टू पावर एन कैन बी रिटर्न एज ए मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ n times n times. So basic clear eh base kisko bolte power kisko bolte what is the output, right? So in order to understand this and to solve complex problems in much easier manner, we try to express these things एज लॉज ऑफ इंडिसेज लॉज ऑफ इंडिसेज लॉज ऑफ इंडिसेज लॉज ऑफ इंडिसेस जिसमें अगर मैं बात करूंगा सबसे पहला प्रॉपर्टी का बहुत सिंपल है ए टू द पावर एन इन टू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन जिसका मतलब यह हुआ बहुत बार आता है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर फाइव वेन बेस इज सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन इन बिट्वीन वी एड द पावर्स जब बेस सेम होता है ना तो हम लोग पावर्स को एड करते हैं प्रोवाइडेड बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो सर क्या यह दो एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है नहीं ये दो एक्सप्रेशन नहीं जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उन सब के लिए वैलिड होगा टू क्यूब इंटू टू स्क्वायर इंटू टू टू द पावर फोर इक्वल्स टू थ्री प्लस टू प्लस फोर विच इज इक्वल्स टू 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 द पावर नाइन अगला सवाल क्या पावर्स पॉजिटिव ही होने चाहिए या होल नंबर्स ही होने चाहिए ऐसा कोई नहीं है पावर्स में भी इन फ्रैक्शन नेगेटिव लॉ क्या बोलता है लॉ ये बोलता है लॉ ये बोलता है कि जो पावर्स है उसको अपने एडप्ट कर देते हैं जो पावर्स है उसको अपने एडप्ट कर देते हैं पावर कुछ भी हो सकता है मेरे को क्या देखना है बेस शुड बी सेम बेस शुड बी सेम एंड इट शुड बी इन मल्टीप्लीकेशन तो पहला लॉ क्लियर हो गया अगर बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स विल गेट एडेड अप पावर्स विल गेट अड़े अड़े अप। ठीक है चलिए लॉ नंबर टू में जाते हैं अभी जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स गेट एडेड अप सिमिलरली अगर बीच में डिवीजन है तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। बीच में डिवीजन है तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड इसको अपने ऐसे भी दिखा सकते हैं ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम माइनस एन ए टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर एन इक्वल्स टू ए टू पावर एम माइनस एन एक्स टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दावर सिक्स माइनस टू दैट इज एक्स टू द फोर तो अगर Base same, hai, and there is a division in between the terms. We subtract the powers. When the base is same, and there is a division in between the Numbers, there is a division in between the numbers. We subtract the powers. We subtract the powers. We subtract the powers. Thicke अगर मैं अब एक आपको एग्जाम्पल दू ए टू द पावर बी इंटू ए ट पावर सी बाई ए टू द पावर एम तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा ए टू द पावर बी प्लस सी माइनस एम क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए प्लस आया और ये डिवीजन में इसीलिए क्या आ गया माइनस अगर मैं आपको ये लिखूं ए टू दावर बी इंटू ए टू द पावर सी बाई ए टू द पावर माइनस एम तब आप क्या लिखते हैं बी प्लस सी प्लस एम क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव नंबर बिकम्स अ पॉजिटिव नंबर है ना तो इसीलिए हम जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है वन बाई एट द पावर माइनस एम इक्वल्स टू ए टू द पावर एम वन बाई एट द पावर माइनस एम इक्वल्स टू ए टू द पावर एम और वन बाई एट द पावर एम इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एम नीचे से जब टम ऊपर जाता है तो उसका पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है अभी मेरे को कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको प्रूफ करके दिखाइए मैं दिखाऊंगा प्रूफ करके उसके लिए मेरे को एक और प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा ए रेस टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेन एनी बेस इज रेज टू दावर जीरो इट इज इक्वल टू वन वेन एनी बेस इज रेज टू द पावर जीरो इट इज इक्वल टू वन ठीक है तो फिर मैं जब यहां पर वन बाई ए टू द पावर माइनस एम है इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा ए टू द पावर जीरो बाई ए टू द पावर माइनस एम उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा यूज करूंगा लॉ नंबर टू जीरो माइनस ऑफ माइनस एम इट विल बिकम ए टू द पावर प्लस एम क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने क्या सीखा है नेगेटिव इनटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव ठीक है

Common on both the sides powers should be equal. When base is common on both the sides, power should be equal. Just say, say for example, equation question have x cube equals to twenty seven.

सिंस बेस इज कॉमन therefore a ए इक्वल्स 3 थ्री पावर्स शुड बी इक्वल पावर्स शुड बी इक्वल पावर्स शुड बी इक्वल ठीक है फाइन सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि पावर्स कॉमन हो ऐसा हो सकता है कि पावर्स कॉमन हो ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम तो हम लोग यहां क्या लिखना है वेन पावर्स ऑफ द गिवेन बेसेज आर इक्वल ऑन बोथ द साइड बेसेज शुड ऑल्सो बी इक्वल बेसेस शुड ऑल्सो बी इक्वल वेन पावर्स ऑफ द गिवेन बेसेज आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स बेसेज शुड ऑल्सो बी इक्वल ठीक है तो जो मैं एग्जाम्पल ले रहा था एक्स क्यूब इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री का क्यूब अब दोनों साइड का पावर कॉमन है तो आंसर क्या हो जाएगा देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू थ्री देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड ऑल दिस लॉज और प्रॉपर्टी शुड कम इम्प्रोम टू इन योर ब्रेन यू कैन नॉट कीप थिंकिंग फॉर लॉ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज नाउ वट इज ऑफ एग्जाम्स वी हैव टाउम Time bound examinations. We have time bound examinations. We have time bound examinations. Clear. Next. First, I will write one thing. Power of a power gets multiplied. Power of a power gets multiplied. Okay? A to the power B, whole to the power C is equals to A to the power BC. A to the power B. होल्ड टू द पावर सी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर बी सी इस सम में क्या है जो मेरा बेस है वो है ए टू पावर बी और जो पावर है दैट इज सी इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो मेरा बेस आएगा ए और पावर आएगा बी सो पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड ठीक है यहां तक क्लियर है आप लोगों को ठीक है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं x टू द पावर सिक्स होल्ड टू द पावर वन बाई थ्री का फाइनल आउटपुट क्या होगा x टू द पावर सिक्स इंटू वन बाई थ्री तो बचेगा एक्स स्क्वायर थ्री टू जा सिक्स बचेगा एक्स स्क्वायर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका ब्रैकेट इसका ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लॉ द ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लॉ क्यों अस टेक वन मोर एग्जांपल ए टू द पावर बी टू द पावर सी इस सिचुएशन में there are only two expression one is the power another one is the base now the base over here is only a and the power over here is b to the power c my example lelu x 3 square. तो दिस इज थ्री सॉरी दिस इज एक्स एंड दिस इज थ्री स्क्वायर सो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज एक्स टू द पावर नाइन नॉट एक्स टू द पावर सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स गलत हो जाएगा बेटा एक्स टू द पावर सिक्स विल बी गलत इट हैज टू बी एक्स द पावर नाइन इट हैज टू बी एक्स द पावर नाइन ठीक है इसीलिए मैं बोला ना इस प्रॉपर्टी में ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रॉपर्टी में ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते एनएच रूट ऑफ ए को आप क्या लिखते हो ए टू द पावर वन बाई एन तो सिर्फ रूट का मतलब होता है ए टू द पावर हाफ पावर में अगर वन बाई एन है पावर में अगर वन बाई एन है दिस एनेट रूट इंप्लाइज पावर इज वन बाई एन एन एथ रूट क्या होता है पावर इज वन बाई एन तो अब इसका ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि आप क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे एक्स टू द पावर स्क्वायर होल्ड टू द पावर वन बाई थ्री नाउ पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड विच विल बिकम दिस So we can write nth root of a to the power m equals to a to the power m by n directly. nth root of a to the power m equals to a to the power m by n directly. See? Fine. नंबर आई सपोज करिए जो एकदम पहला एग्जाम्पल था आज का ए टू द पावर बी इक्वल्स टू एक्स जब पावर शिफ्ट होता है वेन पावर इज बींग शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इट गेट्स रेसी प्रोकर्ल्ड इट गेट्स रेसी प्रोकल्ड ठीक है तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू X to the power 1 by B. When power is being shifted from one side to the other side, it gets reciprocaled. A equals to X to the power 1 by B. A equals to X to the power 1 by B. A equals to एक्स टू द पावर वन बाई बी सारे लॉस को एक बार देखिए अच्छे से चेक विथ ऑल द लॉज विल स्टार्ट विथ द प्रैक्टिकल देन ठीक है चलिए पहला प्रॉब्लम एट बाई ट्वेंटी सेवन होल्ड टू द पावर वन बाई थ्री तो इसको मैं टू का क्यूब लिख सकता हूं इसको मैं थ्री का क्यूब लिख सकता हूं अब एक रूल याद रखो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा अगर पावर्स ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो सारे एक्सप्रेशन के साथ जाएगा एंड ऑल द लॉज विच वी हैव लर्न आर एप्लीकेबल वाइस ए वर्सा ऑल द लॉज विच वी हैव लर्न ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल वाई से वर्षा ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल वाई से वर्षा इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन दिस ऑल्सो इंप्लाइज दिस तो ए बी होल्ड टू द पावर एम को हम लोग ए टू द पावर एम इन टू बी टू द पावर एम लिख सकते हैं लिख लीजिए आप अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा तो ये हो जाएगा टू टू द्री इंटू वन बाई थ्री और नीचे थ्री टू द्री इंटू वन बाई थ्री तो टू बाई थ्री इज द आंसर इफ आई एम सॉल्विंग इट बाय द वे ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस इफ आई एम सॉल्विंग इट बाय द वे ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस अदरवाइज अदरवाइज आई कुड हैव directly said दैट अगर पावर में वन बाई थ्री है इसका इंप्लीकेशन होता है क्यूब रूट इसका इंप्लीकेशन होता है क्यूब रूट तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आई कुड हैिटर्न क्यूब रूट ऑफ एट बाई Cube root of twenty seven, which is nothing but two by three, which is nothing but two by three, which is nothing but two by three. Next question. एटी वन एक्स टू द पावर फोर बाई वाई टू द पावर माइनस एट होल टू द पावर वन बाई फोर तो इसका नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करता तो मैं लिखता एटी वन के पावर में वन बाई फोर एक्स टू द पावर फोर के पावर में वन बाई फोर और y टू द पावर माइनस एट के पावर में वन बाई फोर अब मेरे को पता है पावर पे पावर गेट्स मल्टीप्लाइड 81 को मैं लिख सकता हूं थ्री टू द पावर फोर फोर इंटू वन बाई फोर इज फोर इंटू वन बाई फोर इज वन तो ये खाली थ्री बचेगा यहां x बच रहा है और यहां पर y टू दावर माइनस टू बच रहा है तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर y टू द पावर माइनस टू ऊपर चला गया y टू द पावर माइनस टू ऊपर चला गया to इट बिकम 3xy square ठीक है नेक्स्ट एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए फाइंड द वैल्यू बोलेगा तो हम लोग को सबसे पहले बताया क्या करना है इसको एक एक्सप्रेशन पकड़ लेना लेट ए इक्वल्स टू दिस नाउ सिंस द बेसेज आर सेम powers will get added up and after adding up the powers i am getting zero as a power if zero is the power output will be one hyena if zero is the power output will be one If zero is the power, output will be one because we have understood one thing anything except zero raised to the power zero is equals to one anything except 0 raised to the power 0 is equals to 1 similarly similarly you will get a minus B into a square plus a B plus B square plus B minus C into B square plus BC plus C square. प्लस सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बीक्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू जीरो है ना ये मैंने आपको एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिया सिमिलर वे में इस टाइप के एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं ठीक है ये एक हुआ और एक मैं बता देता हूं आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इसका अगला स्टेप में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जीरो है ना तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग लिखेंगे when द पावर्स आर इन द साइक्लिक ऑर्डर ए से शुरू हुआ ए पे खत्म हो गया ना साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं ऑल दिस एक्सप्रेशन आर नोन एज वॉट Cyclic order thicke? then value of the expression is equals to one. Value of the expression is equals to one. Value of the expression is equals to one. Thicke? यहां तक क्लियर करिए पहले चलिए क्वेश्चन नंबर फोर इफ ए टू द पावर पी Equals to B, B to the power Q equals to C, C to the power R equals to A. Then find the value of PQR. then find the value of pqr ठीक है तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कहां से स्टार्ट करना है a टू द पावर b इक्वल्स टू p b टू द पावर q इक्वल्स टू c c टू द पावर r इक्वल्स टू a ठीक है तो मैं यहां से C का वैल्यू निकाल सकता हूं इट इज ए टू द पावर वन बाई आर है ना उसको यहां प्लेस करूंगा तो मेरा बन जाएगा B टू द पावर Q इक्वल्स टू ए टू द पावर वन बाई आर अब मैं क्या करूंगा Q को यहां शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप बी इक्वल्स टू ए वन बाई आर इंटू वन बाई क्यू है ना अब मैं बी का वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरा ए टू द पावर पी इक्वल्स टू ए टू द पावर वन बाई आर इंटू वन बाई क्यू अब सिंस द बेस इज सेम पी इक्वल्स टू वन बाई आर क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो पी क्यू आर इक्वल्स टू वन क्रॉस मल्टीप्लाई करो पी क्यू आर इक्वल्स टू वन दिस इज ऑल्सो साइक्लिकल ऑर्डर दिस इज ऑल्सो साइक्लिकल ऑर्डर बट अ लिटिल डिफरेंट वन बट अ लिटिल डिफरेंट वन ठीक है विल डू मोर प्रॉब्लम्स ऑन इट आप देख लीजिए हो सकता है आपको टाइम लगेगा एक दो मिनट इसको अब्जॉर्ब करने में ठीक है ना इसी तरीके से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन कुछ ऐसा है टू टू द पावर ए इक्वल्स टू थ्री टू दावर बी इक्वल्स टू ट्वेल्व टू द पावर सी देन वैल्यू ऑफ वन बाई सी माइनस वन बाई बी माइनस टू बाई ए तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया रहता है उसको हम लोग इक्वल्स टू के लेते हैं भैया हमको ये सम आता है ये मेरे औकात का सम है यहां पे इक्वल शुअ कुछ दिया हुआ नहीं है तो जो सम मेरे औकात का नहीं होगा उसको अपनी औकात में लाएंगे ठीक है ना तो अब हम लोग सेम प्रीवियस सम की तरह टू टू द पावर ए इक्वल्स टू के थ्री टू द पावर बी इक्वल्स टू के एंड ट्वेल्व टू द पावर सी इक्वल्स टू के यहां पर अप्रोच क्या होगा नंबर्स को फ्री कर देंगे सारे पावर को के, के सामने ट्रांसफर कर देंगे अब ट्वेल्व को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर इंटू थ्री हा या ना Now we know very well the values of 12, the values of 2, and the values of 3. Put that k to the power 1 by c, k to the power 1 by a, and k to the power 1 by b. In the next step, we will see that base is same. So, what will happen? Powers will get added up. Base is same. What will happen? Powers will get added up. तो अब दोनों साइड में भी बेस सेम है पावर्स विल बिकम इक्वल हमको वैल्यू किसका पूछा है वन बाई सी माइनस वन बाई बी माइनस टू बाई ए तो अगर मैं सबको एक साइड में ले आऊं तो मेरा आंसर आ गया मेरा आंसर जीरो आ गया मेरा आंसर जीरो आ गया दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नीड्स टू बी डेल्ट बाय टेकिंग द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू के द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू के This was question number 5. Let us do one more question of this type as it is a bit technical. If 5.678 whole to the power x equals to 0.567 equals to 1000. find the value of 1 by x minus 1 by y find the value of 1 by x minus 1 by y ठीक है ना तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको के लेना है जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको के लेना है मैंने सिर्फ एक चेंज क्या किया 1000 को मैंने 10 का क्यूब लिख लिया 1000 को मैंने 10 का क्यूब लिख लिया मेरा लाइन क्या है जो सम्स अपने औकात का नहीं होगा उसको अपनी औकात में लाएंगे उसको अपनी औकात में लाएंगे ठीक है तो अब 5.678 पॉइंट सिक्स सेवन एट होल्ड द पावर एक्स इक्वल्स टू के जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन एट k and वाई इक्वल्स टू के एंड टेन का क्यूब इक्वल्स टू के नेक्स्ट स्टेप में आएगा फाइव पॉइंट सिक्स सेवन एट इक्वल्स टू के टू द पावर वन बाई एक्स जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन एट इक्वल्स टू के टू द पावर वन बाई वाई एंड टेन इक्वल्स टू के टू द पावर वन बाई थ्री ठीक है अब हम लोग को पता है कि फाइव पॉइंट सिक्स सेवन एट इक्वल्स टू क्या है दिस इंटू टेन हा या ना लिख सकते हैं ना फाइव पॉइंट सिक्स सेवन एट इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन एट इंटू टेन तो के टू द पावर वन बाई एक्स

तो मेरा क्या आएगा वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इक्वल्स टू वन बाई थ्री आ गया मेरा आंसर अभी तुरंत आपके मन में ये आएगा ये तो देख देख के एग्जाम्पल बता दे रहा है बट नहीं एग्जाम में एग्जाम में ऐसा ही रहेगा जो इजीली फॉर्म में ब्रेक हो जाए 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 एग्जाम में ऐसा ही रहेगा जो इजीली फॉर्म में ब्रेक हो जाए ठीक है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स आज हम लोग ने डिस्कस किए ठीक है ना इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन में एक शीट अटैच कर देंगे हम लोग उसमें और भी एडिशनल प्रैक्टिस सम रहेगा रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द रिलेटेड क्लास तो आप आराम से उसको फिर कर सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू सो मच